Assalamualaikum everyone, welcome back to another review video. In this video, I'm sharing with you my honest review about most trending and viral BB cream on Instagram, जो कि है FW Organic की BB cream, जो कि बहुत ही viral है और हर बड़ा blogger इसकी बहुत तारीफ करता है और इसको promote करता है. अच्छा, प्राइस इसके हैं अराउंड 1500 या 1600 समथिंग, मुझे कन्फर्म याद नहीं है अब. और ये आपको इनके पेज से मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं. और अच्छी पैकेजिंग है, अभी इन्होंने अपना फार्मूला और अपनी पैकेजिंग चेंज करी है और मज़ीद बेहतर बनाया है इसको. तो ये मैंने सब चीज़ें इनकी बाय करी थी, इनका फेशियल किट भी बाय किया था और स्किन पॉलिश भी. सो उसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है आप लोग के साथ. तो ये बीबी क्रीम है, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत चीज़ बाय कर ली. अच्छा, मज़े की बात, इसमें सिर्फ शेड आपके पास दो ही मिलेंगे, इसमें आईएफ्री और नेचुरल, ये दो शेड हैं जो कि इजीली जाते हैं हर स्किन टोन पे. तो मेरा शेड इसमें आईएफ्री है, ये आप देख सकते हैं, मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको. इसका जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही लाइट, अगर मैं इसको बिया मजीद के सनस्क्रीन से कंपेयर करूँ तो ये उससे भी ज़्यादा लाइट वेट फार्मूला है. तो स्किन पे बिल्कुल हैवी फील नहीं होता और इसमें एक सीरम टाइप का ऐड है जो हमारी स्किन पे ग्लो लाता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है. तो ये दूसरी बेबी क्रीम से काफ़ी डिफरेंट है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी डिफरेंट है. तो ये इजीली ब्लेंड हो जाती है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश दे रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई बेबी क्रीम लगाई है. तो इसका फिनिश बहुत ही अच्छा है. अच्छा, आप लगाने के 10 मिनट बाद जब अपना फेस देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस महसूस होगा, लाइक आपको लगेगा कि हाँ, आपने कोई एक अच्छी चीज़, एक अच्छी बीबी क्रीम अप्लाई करी है. अच्छा, लगाने के फ़ौरन बाद तो ये जैसे ऐसा लगता है कि नहीं, आपने कोई गलत चीज़ लगा ली या शेड गलत है, बिल्कुल भी जैसे ये कवरेज नहीं देता. बट थोड़ी देर बाद ये आपके स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो लाता है, एक अच्छे से फिनिश आ जाती है, मतलब एक नेचुरल लुक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है. अदरवाइज़ ये आपके ब्लेमिशेस या आपका छोटा सा डार्क स्पॉट उसको भी हाइड नहीं करता, इसकी कोई ऐसी कवरेज नहीं है. हाँ, अगर आप 10 से 15 पंप लगा लें तो थोड़ी बहुत आपको कवरेज मिल जाएगी. वैसे ओवरऑल इसकी कोई कवरेज नहीं है, बहुत ही लाइट वेट फार्मूला है, ब्रेथेबल फार्मूला है. दोस्त गर्ल जिनको हैवी फाउंडेशन नहीं पसंद, बीबी क्रीम नहीं पसंद, उनके लिए आइडियल है, बेस्ट है. और ये नॉर्मल टू ड्राइड और ऑयली सब स्किन टाइप के लिए बेस्ट है. मेरी ऑयली स्किन है लेकिन ये मुझ पर भी सूट कर रही है. ओवरऑल लगाने के बाद जो है, इसको लगाने के बाद मुझे एक और फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ता है अगर मैं किसी तो शादी में जाऊँ. मेरी ऑयली स्किन है तो फिर 1 से 1.5 घंटे बाद जो है मेरी स्किन पे ऑयल भी आ जाता है और फिर मुझे ये थोड़ी सी अजीब सा लुक लगता है ना, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी है. मेरे ख्याल से ये मुझे विंटर्स में सूट करेगी क्योंकि मेरे स्किन पर काफ़ी ऑयल आता है. सो वैसे ओवरऑल मुझे इसका रिजल्ट पसंद आया, इसका फिनिश पसंद आया. आई टोटली रिकमेंडेड कि आप लोग ट्राई करो और जो टीन एजेस कर लें वो लोग ज़रूर ट्राई करें, उनके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छी बीबी क्रीम है. आपके पोर्स को क्लॉक नहीं करेगी, आपको एक ग्लोई लुक प्रोवाइड करेगी और नेचुरल लुक प्रोवाइड करेगी. इसमें SPF भी मौजूद है तो आपको अलग से सनस्क्रीन या सनब्लॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट. कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे और इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियोस आपके पास आने वाली हैं. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम.